एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई जिसमें नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना गया। नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव राजनाथ सिंह ने रखा जिसका एनडीए के सभी नेताओं ने समर्थन किया। मंच से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के हर निर्णय को स्वीकार करते हुए पूरी मजबूती के साथ काम करने का भरोसा दिया। ढोल नगाड़ा जश्न का माहौल, तस्वीरें देश की नई संसद के ठीक सामने की उस वक्त की है जब एनडीए की संयुक्त बैठक सदन के भीतर सेंट्रल हॉल में चल रही थी। अपनी तीसरी पारी की शुरुआत करने जा रहे प्रधानमंत्री मोदी को एक सुर में एनडीए संसदीय दल का नेता चुन लिया गया। एनडीए के संसदीय दल के नेता व लोकसभा के नेता के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव करता हूं, जिसका मैं मन से समर्थन करता हूं। भारत की जनता को सर आप पर पूरा विश्वास है, लोग इनके साथ रहेंगे और एक साथ होकर के जो कुछ भी करेंगे इनकी बात को मानते हुए हम लोग आगे चलेंगे। मैं आज देशवासियों को यहां से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपने जिस प्रकार से हमें बहुमत देकर के सरकार चलाने का सौभाग्य दिया है, ये हम सबका दायित्व है। देश को आगे ले जाने के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू के सर्वेसर्वा नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए उनके जल्द सरकार के गठन का आग्रह किया। जल्दी से जल्दी आपका काम शुरू हो जाए, शपथ ग्रहण हो जाए। अब आप इतवार को करने वाले हैं तो हम तो चाहते थे कि आजो हो जाता तो अच्छा था, लेकिन आपकी जब इच्छा है तो जब भी हो, जितना तेजी से काम हो जाए तो बहुत अच्छा है। ऑनरेबल पीएम Never took any rest, day and night, a campaign. In Andhra Pradesh, we had 3 meetings, public meetings, 1 big rally. It had made a huge difference for winning the elections in Andhra Pradesh. प्रधानमंत्री मोदी जब आखिर में बोलने आए तो बेहद सधे हुए अंदाज में विरोधियों पर न सिर्फ तंज कसा बल्कि एनडीए गठबंधन को सबसे सफल अलायंस भी बताया।